अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, वाटर एंड फोटोसेंसिस। अब वाटर और फोटोसेंसिस में अगर हम फोटोसेंसिस की इक्वेशन लिखें तो आप जानते हैं फोटोसेंसिस की इक्वेशन में 6CO2 प्लस 12H2O इसमें लाइट और क्लोरोफिल, ये आपने कंप्लीट इक्वेशन लिखनी है। C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि फोटोसेंसिस के रिजल्ट में ये जो ऑक्सीजन रिलीज होती है, जो कि फ्री फॉर्म में एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन बन जाती है, दिस ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वाटर, ये वाटर से आती है, नॉट फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर आप यहां पर देखें, यहां कार्बन डाइऑक्साइड के पास भी ऑक्सीजन है और वाटर के पास भी ऑक्सीजन है, तो यहां ये जो ऑक्सीजन रिलीज होती है ये कहां से आती है, ये वाटर की ब्रेकडाउन की जो है वो रिजल्ट में प्रोड्यूस होती है। तो इसका मतलब है हम इस पे टेस्ट करेंगे, क्या ये सही है या गलत है, कि क्या वाकई जो ऑक्सीजन लिब्रेट होती है फोटोसेंसिस के दौरान ये वाटर वाली ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड वाली ऑक्सीजन है। तो इसके लिए एक हाइपोथेसिस बनाया इन 1930, एक साइंटिस्ट था नाइल, इसका ये हाइपोथेसिस था। और इसका हाइपोथेसिस क्या था, इसका हाइपोथेसिस यही था, ऑक्सीजन लिब्रेटेड और रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसेंसिस, फोटोसेंसिस के रिजल्ट में जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो ये वाली ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वाटर। उसने कहा कि ये वाटर से आती है, नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आती। तो ये एक हाइपोथेसिस इसने बनाया। आपसे पूछा जा सकता है कि जो नाइल्स हाइपोथेसिस है वो क्या है, और इसका जो हाइपोथेसिस था, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि जो हाइपोथेसिस था इसका, यानी कि इसको नाइल्स हाइपोथेसिस भी कहते हैं, दिस हाइपोथेसिस वॉज बेस्ड ऑन फोटोसेंथिसिस इन बैक्टीरिया। इसका जो हाइपोथेसिस था वो बैक्टीरिया में जो फोटोसेंथिसिस हो रही थी उस पर बेस कर रहा। अब बैक्टीरिया में फोटोसेंथिसिस कैसे होती, उसकी क्या इक्वेशन है? अगर हम बैक्टीरियल फोटोसेंथिसिस की बात करें तो बैक्टीरियल फोटोसेंथिसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की जगह हाइड्रोजन सल्फाइड यूज होती, यानी यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड यूज हुई और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड यूज हुई, और इसके रिजल्ट में ग्लूकोज तो बनता है, जैसे प्लांट्स के अंदर ग्लूकोज बनता है इसके अंदर भी ग्लूकोज बनता है या कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, लेकिन इसमें साथ यहां पर सल्फर प्रोड्यूस होता है और साथ वाटर। अब यहां पर सल्फर प्रोड्यूस हुआ और यहां पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा था। अब इसका हाइपोथेसिस इस पर कैसे बेस कर रहा था, देखें, इसने कहा अगर ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से आती प्लांट्स के अंदर तो यहां भी ऑक्सीजन आनी चाहिए थी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो इसके अंदर भी है। अब क्योंकि इसके अंदर वाटर नहीं है, हाइड्रोजन सल्फाइड यूज हो रहा है, इस वजह से यहां पर ऑक्सीजन नहीं आई। तो ये था उसकी हाइपोथेसिस का बेस। उसके बाद इन 1940 डिफरेंट अदर साइंटिस्ट ने टेस्टेड नाइल्स हाइपोथेसिस, उन्होंने नाइल्स हाइपोथेसिस को टेस्ट किया और उसको टेस्ट करके देखा कि क्या वाकई ही ऐसा होता है कि जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वाटर से आती है। तो उन्होंने दो ग्रुप्स बनाए प्लांट्स के, एक उन्होंने ग्रुप वन बनाया प्लांट्स का और एक जो है वो ग्रुप टू बनाया प्लांट्स का, और उनमें फोटोसिंथेसिस करवाई और ये देखा कि ये ऑक्सीजन जो रिलीज हो रही है वो कहाँ से आ रही है। पहले ग्रुप के अंदर 6CO2 प्लस 12H2O, इसी तरह से C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, तो ये इसकी इक्वेशन है कंप्लीट। इसी तरह ग्रुप टू के अंदर हम यही इक्वेशन लिख लेते हैं, 12H2O
C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब इस हाइपोथेसिस को टेस्ट किया तो टेस्ट करने के दौरान इन्होंने ऑक्सीजन के एक हैवी आइसोटोप या आइसोटॉपिक ट्रेसर को यूज किया। अब नॉर्मली आप जानते हैं ऑक्सीजन जो होता है वो O16 होता है, लेकिन इन्होंने ऑक्सीजन का हैवी आइसोटोप यूज किया, हैवी आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन। और इन्होंने जो ऑक्सीजन का हैवी आइसोटोप यूज किया वो था O18, इसको यूज किया O18, या इसके लिए एक वर्ड और भी यूज किया जा सकता है, दिस इज द आइसोटॉपिक ट्रेसर। इन्होंने आइसोटॉपिक ट्रेसर यूज किया। अब ट्रेसर क्या होता है, जस्ट सिंपली टैग। अब इन्होंने क्या किया, सबसे पहले ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन था इस पे इन्होंने ये हैवी आइसोटॉप वाला टैग लगाया, और दूसरे एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्होंने जो वाटर के साथ ऑक्सीजन है उसको लेबल्ड किया हैवी आइसोटोप के साथ, जो कि O18 था। अब हमें पता चलेगा क्योंकि एक टैग है, ट्रेसर है, कि ये कहाँ जाएगा, हमें ये पता चल जाएगा कि ये ऑक्सीजन कहाँ जा रही है और ये ऑक्सीजन कहाँ जा रही है। जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उसके रिजल्ट में फोटोसेंसिस करवाई तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर ये जो 18 है वो यहाँ पर मिला और इस वाली ऑक्सीजन के ऊपर मिला, लेकिन जो फ्री फॉर्म में ऑक्सीजन थी यानी वाटर के साथ भी वो O18 गया और जो ऑक्सीजन ग्लूकोज के अंदर है उसके अंदर भी वो गया, लेकिन जो फ्री फॉर्म में लिबरेट हुई उस पे वो टैग नहीं गया। तो इससे उन्हें अंदाजा हुआ कि वाकई ही ये वाली ऑक्सीजन जो है यहां नहीं गई, इस दोनों जगह पर चली गई। लेकिन उन्होंने फर्दर कंफर्म किया, साइंस के अंदर उसको डबल चेक किया जाता है क्योंकि अभी हम इसको श्योर नहीं कह सकते। तो फर्दर जब उन्होंने वो O18 जो है वो ट्रेसर वाटर वाली ऑक्सीजन के साथ जो है वो टैग किया तो उनको यहां पर वो ट्रेसर इस ऑक्सीजन के ऊपर मिला। तो इसका मतलब है कि जो वाटर वाली ऑक्सीजन थी एक्चुअली यही वो ऑक्सीजन है जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स हैं वो रिलीज करते हैं। तो इससे जो नाइल्स हाइपोथेसिस था वो कंफर्म हो गया कि वाकई ही जो ऑक्सीजन प्लांट एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज करते हैं दैट कम्स फ्रॉम द वाटर, नॉट फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड।